नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सीरीज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे जई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शन इस रिएक्शन में एक अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स कॉन्सनट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन एंड एल्कोहल विथ द सेम नंबर ऑफ कार्बनस अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेम कम्पाउंड का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है हिन्स ये एक डिस रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो अल्डीहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए लास्ट वीडियो में हमने एडोल कंडेंसेशन पढ़ा था उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था इसमें नहीं होना चाहिए समझ रहे हो अब ऐसा क्यों होता है इसके लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले जो बेस है वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ अब सिंस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन तो होना नहीं है इसीलिए बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड ओके कार्बन पर अटैक करता है कि पाई बॉन्ड टूट जाता है और हमें मिलता है कुछ ऐसा कंपाउंड नेक्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड सेम एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल को हाइड्राइड ट्रांसफर करता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है और ये एच माइनस निकल के इस पर अटैक कर देता है और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोक्साइड आयन लास्ट स्टेप में प्रोटोन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एसिड टू एल्कोक्साइड आयन क्योंकि मीडियम बेसिक है और एसिड के ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज रहेगा एंड हेंस हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलेट आयन एंड एल्कोहल ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज द एल्टीहाइड अब तुम सभी क्वेश्चन को ये मेकेनिज्म लगा कर तो सॉल्व नहीं करोगे तो इसका एक शॉर्टकट भी है जो तुम सिंपल क्वेश्चन पर लगा सकते हो देखो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए सी एच बॉन्ड के बीच में ओ लगा दो तो तुम्हें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन मीडियम तो बेसिक होता है इस रिएक्शन के लिए तो ये सॉल्ट बना लेगा रिडक्शन के लिए ये पाई बॉन्ड को तोड़ दो और एक एक एच दोनों तरफ लगा दो तो तुम्हें मिल जाएगा एल्कोहल तो इस तरह से तुम दोनों प्रोडक्ट्स बना सकते हो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको कहते हैं सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन क्योंकि सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं अब इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा ये कैसे पता चलेगा तो देखो यहाँ पे जो बेस है उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो जो कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस पर ओ माइनस का अटैक होगा इस केस में जो कि है फॉर्मल तो फॉर्मल पे बेस अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में हाइड्राइट ट्रांसफर एंड देन प्रोटॉन ट्रांसफर करके हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हेंस जो कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसको ऑक्सीडाइज करना है और जो कंपाउंड कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसको रिड्यूस करना है सिंपल अब चलो कुछ पी वाई क्यूज देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ए का स्ट्रक्चर बताना है ये एम सी क्यू में आया था मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं कोई नहीं सॉल्व करते हैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एन ए ओ डी दिया है एन ए ओ एच नहीं तो अटैक ओ डी माइनस का होगा इसीलिए यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करेंगे गलती हो सकती है यहाँ पे हम मैकेनिज्म से चलेंगे ओ डी माइनस सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा हाइड्राइड ट्रांसफर होगा एंड देन प्रोटॉन ट्रांसफ़र करके हमको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट जिसमें से ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से क्या इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होगा सिंस ये सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे एक बार सी को ऑक्सीडाइज कर देंगे सी में और एक बार सी को रिड्यूस कर देंगे सी में नोट करना कि इसमें सॉल्ट की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बना है क्योंकि रिएक्शन में एसिडिफिकेशन भी मैंशनड है अब सिंस यहाँ पे कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है हिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सो so आई होप तुम्हें कैन इजारो रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन चाहिए तुम्हें इस सीरीज़ में वो तुम कॉमेंट करके बता सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर किया करो